किसी भी वायरस की बीमारी की रोकथाम के लिए कोई मेडिसिन नहीं होती है, उसकी रोकथाम के लिए केवल टीका ही होता है। कुछ लोग तो वैक्सीन या टीका को भूल ही गए थे कि वैक्सीन क्या होती है, टीका होता क्या है। लेकिन जब से कोरोना वायरस की प्रॉब्लम लोगों में आई है, कोविड 19 डिसीज़ की प्रॉब्लम लोगों में आई है, तब से लोगों की जुबा पर वैक्सीन का नाम आने लगा है कि वैक्सीन होती क्या है, वैक्सीन क्या है। आज हम इसी वैक्सीन के बारे में बात करेंगे कि वैक्सीन क्या होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश है और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। कि वैक्सीन होती क्या है, ये वैक्सीन किस तरह से काम करती है, हमारे शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता किस तरह से बढ़ाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वैक्सीन होती क्या है। किसी भी रोग को समाप्त करने के लिए, उसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए जो दवाई दी जाती है, उसी को हम वैक्सीन कहते हैं। ये काम किस तरह से करती है, ठीक है, या वैक्सीन को हमारे शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पावर को विकसित किया जाता है ताकि वह इस बीमारी से लड़ सके और भविष्य में वह बीमारी हमारे शरीर के अंदर ना ही प्रवेश कर सके। हमारे शरीर में जो ब्लड होता है ना, वो दो भागों में बटा होता है, एक लिक्विड जिसे प्लाज्मा बोलते हैं, एक WBC RBC और प्लेटलेट्स होता है। जो WBC होते हैं ना, वो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के में काम करते हैं। जैसे ही कोई बाहरी एलियंस हमारे शरीर में प्रवेश करता है या हमला करता है, तो सबसे पहले WBC काउंट यानी कि जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं ना, उनको पता चलता है, वह उसके विरुद्ध लड़ने के लिए सक्षम हो जाते हैं और वह लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसे हम हमारे शरीर की जो सैनिक बोलते हैं, प्रतिरोधक क्षमता, बाहरी सैनिकों से लड़ने के लिए जो हमारे अंदर की प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसी को हम WBC बोलते हैं। तो वह हमारे जो बाहरी एलियंस होते हैं, उनको लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, जैसे ही हमारे शरीर के अंदर वो प्रवेश करते हैं तो वो हमला कर देती हैं। यदि हमारे शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है, तो हमारे जो WBC काउंट होते हैं ना, उनको जो बाहरी एलियंस होते हैं वो हमला कर देते हैं, और हमला करने के बाद में हमारे शरीर में कहीं फीवर आने लगता है, कहीं सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम होती है या फिर खांसी मासी की प्रॉब्लम होती है। यदि दूसरी कंडीशन में हमारी जो WBC काउंट है, वो यदि हमारी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, तो वो जो बाहरी एलियंस हैं, वायरस हैं, उसको लड़कर भगा देते हैं, जिसके कारण हमें पता ही नहीं चलता, हमें सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम होती है, एक दो दिन में सही हो जाती है या फिर किसी को सिम्टम्स भी नहीं दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो काम करती है। टीका होता है, वह भी एक वायरस ही होता है, ये निष्क्रिय अवस्था में या तो बेहोश होता है या फिर उसको मार दिया जाता है मृत अवस्था में, या हमारे शरीर के अंदर वैक्सीन के द्वारा प्रवेश कराया जाता है, जो इंजेक्टेबल देते हैं। तो वो जो वैक्सीन होता है वो वायरस ही होता है, तो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करा दिया, उसको डाल दिया, तो जैसे ही कोई जो जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई, तो जब भी कोई कोरोना वायरस हमारे शरीर पर हमला करेगा, तो उसको पता है कि इसको किस तरह से लड़के भगाना है, और वो पहले से ही कोरोना वायरस से लड़ रहा है, तो बॉडी को भी पता है कि किस तरह से लड़ना है, और दूसरी बात, उसको बेवकूफ़ भी बनाया जा रहा है कि पहले से ही कोरोना वायरस है तो वो उस तरह से काम नहीं कर पाता है, तो वह हमारे शरीर को बीमार नहीं कर पाता है और वो उससे लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। इसी को हम प्रतिरोधक क्षमता, ये वैक्सीन के द्वारा हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जाती है, इसीलिए हमें टीका लगवाना बहुत ही ज़रूरी है। पहले जो लोग बोलते थे कि टीका नहीं लगवाना, ये बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बुखार आने लगता है, ये वो, तो टीका लगवाना बहुत ज़रूरी है, और बच्चों को भी टीका लगवाएं, और जो बड़े बोलते हैं ना बीमार हो जाते हैं, ये होते हैं, ये सिम्टम्स तो आते ही हैं थोड़े बहुत, क्योंकि वह एक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए या इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हम इस वैक्सीन का यूज़ करते हैं। तो हम तीन तरह से हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। एक, हम अच्छा खाएं, विटामिन सी ज़्यादा लें, फ्रूट ज़्यादा लें, तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है। एक हर्ड इम्यूनिटी, और थर्ड, हम किसी वैक्सीन का टीका लगवा लें, तब हम उस वायरस से लड़ सकते हैं। तो तीन ही तरह से उस वायरस से लड़ने के लिए हम हथियार बनाना पड़ेगा,
और हम उस वायरस से लड़ सकते हैं। तो इस तरह से हमारे शरीर में ये टीका काम करता है, इसीलिए इस कोरोना वायरस के टीके के लिए अभी जद्दोजहद चल रही है, कितना समय लगेगा कितना समय नहीं लगेगा। तो कोरोना वायरस से जीतने के लिए हमें केवल टीका ही एक नैया पार करा सकता है, इसलिए इस टीके में समय लग रहा है। लोग बात कर रहे हैं इतने टीके में क्यों समय लग रहा है, ये वो, उस पे एक एक चीज़ पर निगाह रखी जाती है, पे सबसे पहले कई चरणों में इसको किया जाता है, पहले जानवरों पे करते हैं फिर इंसानों पे करते हैं, कितना समय लगता है, इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।